हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं गाइस। आज मैं आपके साथ अम्ब्रेला लहंगा शेयरिंग करने जा रही हूं गाइस। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग गाइस, जो इसकी कमर लाइन है वो गाइस ये देखें 15 है, ठीक है। ओवरऑल इसकी 15 है, तो जब हम 15 को एंड हाफ करेंगे, ठीक है 15 को जब हम ऐसे हाफ करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो गाइस ये हमारा 6.4 आता है, ठीक है 6.4 आता है गाइस। जो हमने इसकी कमर लाइन रखनी है वो 6.4 है गाइस, और जो हमने इसकी लेंथ रखनी है वो 14.4 है। ओवरऑल हमने 14.4 रखनी है इसकी लेंथ गाइस। ये देखिए, ऐसे आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो गाइस ये देखें, ऐसे आपने इसको तिरछा कर देना है, ठीक है। ये देखें ट्रायंगल की शेप में गाइस आपने इसको कर देना है। ये देखें, ऐसे आपने कपड़े को ट्रायंगल की शेप में कर देना है, ठीक है। तो गाइस क्योंकि हम अम्ब्रेला लहंगा कटिंग करने जा रहे हैं, तो इसकी शेप ऐसे ही ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये देखें, ऐसे आपने कपड़े को टर्न कर देना है ट्रायंगल की शेप में गाइस। तो यूट्यूब फैमिली, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें गाइस, कमेंट करें गाइस, और अपना फीडबैक भी लाजमी दें। ये देखिए गाइस, यहाँ से हमने इसकी कमर लाइन रखी है, ठीक है। 9 पॉइंट हमने रखी है, ये देखें 9 पॉइंट हमने इसकी कमर रखी है। ऐसे ही आपने एंची टेप को टर्न करते जाना है और 9 पॉइंट का आपने मार्जिन निशान लगाते जाना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप जितनी आपकी कमर आपको चाहिए होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने निशान लगा लेना, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो गाइस यहाँ से हमने इसकी लेंथ ली है 42.4 इंचेस, ठीक है। ओवरऑल गाइस हमने 42.4 इंचेस हमने इसका, ठीक है, लेंथ लगाई है। ऐसे आपने एंची टेप को टर्न करते जाना है, ठीक है, और ओवरऑल आपने सारी लेंथ, ठीक है, मार्क कर लेनी है गाइस। 2 इंचेस जौन सा हमारा होगा वो बेल्ट का होगा, ठीक है। ओवरऑल जौन सी हमारी लेंथ है वो 44.4 इंचेस है गाइस। तो यहाँ पे जौन सा हमने मार्जिन लगाया है वो गाइस हमने 42.4 इंचेस लगाया, ठीक है। ओवरऑल गाइस आपने मार्क कर लेना है। गाइस ये देखें, यहाँ से आपने यहाँ से भी निशान लगा लेना है, ठीक है। 4.4 इंचेस का आपने ऐसे ओवरऑल इसको, ठीक है, निशान लगा लेना है। तो यूट्यूब फैमिली, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें गाइस। गाइस ये देखिए, अब हम इसको कटिंग करने लगे हैं। सिंपल आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, यहाँ से हमने अब इसको कटिंग कर देना है गाइस। ये बहुत इजी है, घर पे इसको स्टिच करना बहुत इजी है गाइस। गाइस अगर आपने अम्ब्रेला फ्रॉक बनानी हो तो इसका प्रोसेस यही है कि जैसे आपने नीचे वाला पार्ट कटिंग किया, ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को कटिंग करके ऊपर आप बॉडी अटैच कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ से गाइस हम कटिंग कर देंगे।
ये देखिए गाइस हमारी कटिंग हो चुकी है। ऐसे ही आपने ओवरऑल सारी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें ये कटिंग हो चुकी है। जितनी आपको कमर की, ठीक है, जितनी आपको कमर चाहिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फिटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें ओवरऑल गाइस इसकी कटिंग हो चुकी है। ओवरऑल इसकी लुक गाइस ये देखें बहुत इजी इसकी कटिंग है गाइस। इसका बार भी गाइस बहुत ज़्यादा इसका फ्लेयर है गाइस, ये देख सकते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं ये इसकी कटिंग हमने कर ली है गाइस। अब हमने इसको स्टिच करना है, ठीक है। ये देखिए साइड से आपने हमने गुम सिलाई में गाइस ज़िप लगानी है, ठीक है। बकाया आपने ओवरऑल नीचे से सिलाई कर लेना है। जितनी आपको आपने गुम सिलाई की ज़िप की लेंथ रखनी है उसी के अकॉर्डिंग लेंथ रख के बकाया ओवरऑल गाइस आपने साइडों से सिलाई लगा देनी है। बहुत इजी मेथड है गाइस। ये देखें यहाँ पे हमने बेल्ट ज्वाइन कर देनी है और नीचे से गाइस हमने इसको, ठीक है, सुलेमानी पट्टा लगाना है, ठीक है। सुलेमानी पट्टा लगा के हमने इसको टर्न कर देना है। इसका ये बेनिफिट है गाइस कि जो अम्ब्रेला लहंगे का फ्लेयर है उसके साथ इसका फ्लेयर ज़्यादा इन्हेंस होगा गाइस और नीचे से लुक बहुत प्रिटी आएगी गाइस। ये देखें ऐसे ओवरऑल गाइस आपने सुलेमानी पट्टा ले लेना है किसी भी शॉप से जहाँ से फ्यूजिंग्स वगैरह थ्रेड्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से। ये इजीली आप उनको कहे सुलेमानी पट्टा दे दे तो आपको वो दे देंगे, तो आप नीचे ओवरऑल लगा लें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने ज़िप लगानी है, ठीक है। तो ज़िप का हमने मार्जिन रख लेना है, ठीक है। ये देखिए ज़िप की जो सी हमने लेंथ है वो 9.4 इंचेस रखी है, ठीक है। तो आपने जितनी इसकी लेंथ रखनी है आप उसी के अकॉर्डिंग गाइस रख सकते हैं। गाइस आप यहाँ पे टुक लगा लें, ठीक है, और बकाया आपने ओवरऑल सारी सिलाई कर देनी है। गाइस ये देखें ओवरऑल आपने सारी सिलाई लगा देनी है यहाँ से भी और दूसरी वाली साइड से भी। आपने यहाँ से गाइस टांके को पका लेना है, ठीक है। टांके को पका करके आपने नीचे से सिंपल सिलाई लगा देनी है। जो शेप में गाइस हमने कटिंग की है ना वही शेप में आपने स्टिच कर देना है, ठीक है। सिलाई लगा देनी है वही गाइस शेप में आपने स्टिचिंग कर देनी है। यूटी फैमिली अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस इसको शेयर करें। ओवरऑल गाइस आपने सारा इसको स्टिच कर देना है।
गाइस ये देखें, ऐसे ओवरऑल आपने सारी सिलाई लगा लेनी है। गाइस जैसे हमने आपको ये वाली साइड से सिलाई लगा के बताया है, ऐसे ही आपने दूसरी वाली साइड से भी सारा स्टिच कर लेना है। गाइस ये देखें, हमारा ये वाली साइड से स्टिच हो चुका है। ऐसे ही अगेन गाइस आपने दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेना है, ठीक है। वहाँ से गाइस आपने सिंपल स्टिच कर लेना है ओवरऑल। गाइस ये देखें, नीचे से हमने सलमानी पट्टा अटैच करना है, ठीक है। ऐसे आपने सलमानी पट्टे को अटैच कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। सिंपल गाइस आपने सलमानी पट्टे को अटैच कर लेना है। ये देखें, जैसे हम आपको गाइस सलमानी पट्टा लगा के दिखा रहे हैं, ऐसे आपने भी लगा लेना है। ऐसे गाइस सिंपल आपने सलमानी पट्टी की गाइस स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखें, ऐसे सिंपल आपने सारी स्टिच कर लेनी है और सलमानी पट्टे को अटैच कर देना। ओवरऑल गाइस जितना भी हमारा फ्लेयर है उसके ऊपर आपने सारा सलमानी पट्टे को स्टिच कर देना है, ठीक है, अटैच कर देना है। ओवरऑल जितना भी हमारा, ठीक है, इसकी चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग आपने सलमानी पट्टे को अटैच कर देना है, ठीक है। ये स्टिचिंग कर देनी है। गाइज़ ये देखें, हमने सारा स्टिच इसको काट लिया है। आपने इसको सारा स्टिच करके ओवरऑल गाइज आपने इसको टर्न कर देना है। ये देखें, हमने अब इसको टर्न करके सिंपल आपने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये देखें, सिंपल आपने इसको स्टिच कर देना है गाइज। तो आपने इसका स्टिच करते जाना है गाइस, क्योंकि ये अम्ब्रेला लहंगा है गाइस। तो जहाँ पे भी कहीं पे हल्का सा झोल आए गाइस, तो आपने फ्यूजिंग को टर्न कर देना है, ठीक है। फ्यूजिंग को एक प्लेट्स दे देनी है, बट गाइस आपने नीचे कपड़े को आपने बिल्कुल स्मूथ एंड नीट, ठीक है, फिनिशिंग रखनी है गाइस, ठीक है। आपने हल्का सा फ्यूजिंग को सलमानी पट्टे को टर्न कर देना, ठीक है। ओवरऑल गाइस आपने स्टिचिंग करते जाना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ गाइस, ऐसे आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें, हल्का सा आपने सलमानी पट्टे को टर्न कर देना है, बट गाइस आपने कपड़े को बिल्कुल नीट एंड स्मूथ स्टिच करना है, ठीक है। ये देखें,
जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ गाइस, ऐसे आपने ओवरऑल सारा स्टिच कर लेना है गाइस। ये देखें, ऐसे ओवरऑल जितना हमने सलेमानी पट्टा अटैच किया, जितना इसका चौड़ाई है, जितनी इसकी विड्थ है गाइस, ओवरऑल आपने स्टिच कर लेना है। और जहाँ पे गाइस कहीं पे झोल आता है तो वहाँ पे आपने फ्यूजिंग को टर्न कर देना है। बट गाइस आपने कपड़े को नीट एंड स्मूथ रखना है, ठीक है, आपने सिर्फ पट्टे को टर्न करना है, ठीक है। ऐसे ही ओवरऑल आपने सारा स्टिच कर लेना है।
गाइस ये देखिए ओवरऑल आपने सारा स्टिच कर लेना है। गाइस हमने भी ओवरऑल सारा स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब आपने इसको सिंपल आपने साइड से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। आपने दोनों पीसों को इक्वल करके, ठीक है, सिंपल सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखिए हम साइड की सिलाई लगा रहे हैं, एक साइड पे हमने लगा ली थी, अगेन हम दूसरी साइड पे स्टिच कर रहे हैं। गाइस आपने ऐसे ही स्टिच कर लेना है, जैसे सिंपल एक स्लाइड लगानी है, ठीक है, जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं आपने भी ऐसे स्टिच कर लेना है, ठीक है। ओवरऑल गाइस आपने जिस शेप में गाइस हमने कटिंग किया था उसी शेप में आपने स्टिच कर देना है इसको, ठीक है। तो गाइस ये देखें ये टू साइडेड, ठीक है। यहाँ पे हमने जिप अटैच करनी है, ठीक है। ऐसे आपने कपड़े को फोल्ड करके आयरन से, ठीक है। तो गाइस ये देखें ये हमारे पास 1 फुट है, ठीक है। तो इसको आपने अटैच कर देना है, ठीक है, मशीन से। ये आपने 1 साइडेड फुट ले लेना है। तो गाइस ये देखिए ज़िप को आपने यहाँ पे अटैच कर देना है, और आपके पास कॉमन पिन होंगी गाइस, तो आपने कॉमन पिन के साथ इसको अटैच कर देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने कॉमन पिन लगा लेनी है। तो गाइस ये देखिए यहाँ से हमने इसको सिंपल स्टिच करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ऐसे आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें आपने ज़िप को थोड़ा सा गाइस ऊपर करना है। ये देखें ऐसे गाइस आपने ज़िप को ऊपर कर देना है, और कपड़े के अंदर से इसको क्रॉस वायर निकाल लेना है। ये देखिए गाइस ज़िप को आपने ऐसे बाहर निकाल लेना है। गाइस अगर आपको किसी चीज़ के ना समझ आई हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो गाइज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी चीज़ की आपको ना समझ आई हो तो। ये देखें ऐसे आपने ये देखें ज़िप को निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने फिर सिंपल सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखें टांके को आपने पक्का कर देना गाइस। ठीक है, जैसे हमने ये वाली साइड से लगाई है ऐसे ही गाइस आपने दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें ये हमारी गुम सिलाई में लैस गाइस की देखें ज़िप हमारी लग चुकी है। आपने गाइस बहुत राम राम से यहाँ से इसको निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि गाइस ये जो सी गुम सिलाई में ये ज़िप लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और जो सी दूसरी ज़िप होती है वो आसान होती है, ठीक है। लेकिन प्यारी यही
लगती है, ठीक है। आपने गाइस ज़्यादा इसको ऊपर तक नहीं लेके जाना, ज़्यादा ऊपर तक लेके जाएंगे तो हम जौन से हमारी ये ज़िप होगी ना ये निकल जाएगी और एंड ये ख़राब हो जाएगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से और कितनी नीट गाइस ज़िप लग के रेडी हुई है। तो गाइस ये देखें हमारी स्टिच हो चुकी है ज़िप। अब गाइस ये देखें ओवरऑल गाइस जितनी भी इसकी विड्थ आएगी तो गाइस हमने पट्टी को अटैच करना है, ठीक है। ये देखें ये हमने इस शेप में इसको रेडी कर लिया है फ्यूजिंग लगा के। जो इसकी चौड़ाई है गाइस वो 2 इंचेस है गाइस, और जितना आपका गाइस आपकी चौड़ाई है, ठीक है, ओवरऑल जितनी आपकी लेंथ है, ठीक है, कमर की, उसी के अकॉर्डिंग गाइस आपने ये बेल्ट को रेडी करना है, ठीक है। ये देखिए सिंपल ऐसे आपने इसको स्टिच कर लेना है ये वाली शेप में गाइस, ठीक है। फ्यूजिंग को अटैच करके, ठीक है, हमने इसको स्टिच कर दिया है। तो ये देखें ये ऐसे सिंपल आपने इसको अटैच कर देना है। ओवरऑल गाइस आपने इसको स्टिच कर देना है। ये देखें जैसे हम स्टिच करके दिखा रहे हैं ऐसे गाइस आपने ओवरऑल इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए ओवरऑल आपने सारा स्टिच कर देना है, ठीक है। ये देखिए हमने भी इसको ओवरऑल सारा स्टिच कर दिया है गाइस। ये देखें ऐसे सिंपल आपने इसको सारा स्टिच कर देना गाइस। तो उन सा 2 इंचेस एक्स्ट्रा कप इसकी जो सी पट्टी है, ठीक है, वो हमने रखी है, ठीक है, बटन्स वगैरह लगाने के लिए, हुप्स वगैरह लगाने के लिए, ठीक है गाइस। तो ऐसे सिंपल आपने इसको सारा स्टिच कर देना है। देखें ये हमारा स्टिच हो चुका है ऐसे गाइस आपने इसको सारा स्टिच कर देना है। ये देखें ओवरऑल हमारा सारा स्टिच हो चुका है। ज़िप को अब आपने ऊपर काट देना है, ठीक है। ये देखें ओवरऑल लुक हमारी कितनी फिनिशिंग से ला के रेडी हुई है, ठीक है। तो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें गाइस। और ये देखें इसकी ओवरऑल लुक गाइस बहुत प्रिटी एंड गाइस इसका फ्लेयर वगैरह बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यारा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें गाइस। इसकी ओवरऑल लुक गाइस ये देखें ओवरऑल इसकी लुक गाइस। अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। इसकी ये ओवरऑल लुक आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में मिलेंगे गाइस। प्लीज़ माई चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।